तो आज हम अंडे का फिजिक्स पढ़ेंगे और अंडे का फिजिक्स का रोटेशन देखेंगे कि किस लिए ये रोटेट करता है। क्वेश्चन इज दैट कि हम तीन अंडे लेंगे, आप देख सकते हो कि अब अंडा है और कोई भी सेफ साइज का अंडा चलेगा। तो बस कुछ नहीं, आपको बस ये अंडा लेना है। एक अंडा को ऐसे पकड़िए, उसके ऊपर एक अंडा को रखिए और यहाँ पे इसके ऊपर एक अंडा रखिए। अब क्या होना चाहिए कि सेंटर पार्ट का जो ये अंडा है ये रोटेट घूम जाना चाहिए। देखिए घुमा, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये अंडा परफेक्ट है। ना तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का यूज कीजिए कि ये जब पार्ट आता है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इतना ये होता है कि इसको ये रोटेशन के तौर पे देखिए। ये अंडा नहीं घूमा, इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए पोजीशन, दोबारा देखिए। या तो देखिए जैसी पोजीशन चेंज किए तो हमारा ये अंडा भी घूम गया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये अगर एक क्रैक वाला पार्ट है, ये डिफेक्टिव था जिसकी वजह से थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका चेंज हुआ। तो हमें इसके एक फाइनल पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करना होता है। और ये तो इस तरीके से ये अंडा घूमता है। तो होप ये वीडियो, ये तो बिल्कुल एकदम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नहीं घूमा। इस अंडे को हम साइड करते हैं और दूसरा अंडा देखते हैं। ये देखिए, तो हल्का हल्का जब ये रोटेट होता है तो किस तरीके से अंडा ऑटोमेटिक अपने आप रोटेशन पे आ जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अंडा।